आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स, जहां पे हम लिमिट का ज्योमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल मीनिंग समझेंगे। उससे पहले एक चीज बता दूं, अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा है तो पहले आप जाके फंक्शन पढ़िए, उसके बाद प्लीज लिमिट को पढ़िए, वरना आपको लिमिट नहीं समझ आएगी। चलो शुरू करते हैं। लिमिट का यह मतलब होता है कि सपोज कर ले हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्री फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स। अगर जो इनपुट है एक्स वो अगर एक वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है तो जो आउटपुट होगा वाई वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा। अगर इनपुट वैल्यू एक्स अप्रोचेस टू ए, वाई वैल्यू जो आउटपुट है दैट इज एफ एक्स, दैट विल ऑल्सो अप्रोच टू ए पर्टिकुलर वैल्यू से एल, ये लिमिट बोलता है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन ये है कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर एक्स इक्वल टू ए लिया हमने, अब हो सकता है वहां पे जो फंक्शन हो वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म ले रहा हो। इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है अभी आप समझ पाएंगे, कुछ देर में आपको दिखाऊंगा। या फिर कोई भी एक इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा हो, मतलब अनडिफाइंड वैल्यू ले रहा है। इसके लिए हम क्या देखते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स पे हम उसके आसपास के जो रीजन होता है उसमें वाई का नेचर देखते हैं, ठीक है, आउटपुट का नेचर देखते हैं, ठीक है। सो इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, ये देखिए, ये वेरियस फॉर्म्स हैं, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0.इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0/0, 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/0, ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है। इनको सोल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, जो कि बेसिकली 0/0 फॉर्म एंड इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म के लिए लगता है। तो सबसे पहले इन सारी फॉर्म्स को, ये दो तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में, बट इन फॉर्म्स को, ये जो बची 1, 2, 3, 4, 5, इन फॉर्म्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं आइदर टू 0/0 और टू इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ताकि हम एल हॉस्पिटल रूल लगा पाए। अब एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स ये आते कब है वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको लिमिट का ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल मीनिंग समझाता हूँ। चलो देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैं एक जियोजेब्रा टूल यूज कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं लिमिट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाऊंगा। अब मैंने क्या बोला था, अगर जो एक्स वो एक वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक्स इज अप्रोचिंग टू ए, देन वाई अप्रोचेस टू ए वैल्यू एल। इसका ये मतलब हुआ एक्स इक्वल टू जो ए पॉइंट है उसके आसपास का जो रीजन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई इक्वल टू एल है उसके आसपास भी हमें एक रीजन मिलेगा। जैसे कि आप ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये हमारा पॉइंट है, येलो लाइन जो आपको दिख रहा है ये ए पॉइंट से, कैपिटल ऐसे मैंने इस पॉइंट को डिनोट किया है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई वैल्यू उसको कैपिटल सी पॉइंट से डिनोट किया है। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिमिट में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू पे, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो नहीं देखते, हम उस पे आसपास पे फंक्शन का नेचर क्या वही देखते हैं बस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आप देख पा रहे होंगे कि रीजन बनाया मैंने, इस जो कैपिटल ए पॉइंट है इसके आसपास का हमने एक रीजन बनाया। तो हम देख रहे हैं कि जो वाई इक्वल टू जो सी पॉइंट मिल रहा है वहां पे जो एक वाई की वैल्यू आ रही है उस कॉरस्पॉन्डिंग हमें उसके आसपास भी हमें एक रीजन मिल रहा है, ठीक है। तो वही चीज थी। अब ये देखिए, जैसे जैसे हम देख रहे हैं लेफ्ट से जा रहे हैं तो ये जो वैल्यू, जो वाई वैल्यू वो सी की तरफ बढ़ रही है, राइट। और सिमिलरली अगर हम राइट एक्स इक्वल टू ए की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो वाई की वैल्यू सी की तरफ बढ़ रही है, आप ये देख पा रहे हो। एक्चुअली यही लिमिट होती है कि अगर आप लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ बढ़ेंगे तो वाई की वैल्यूज भी वो लेफ्ट एंड राइट से एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमें वही देखना था कि वो वाई की वैल्यू किस वैल्यू पे जा रही है, वही लिमिट होती है जब एक्स किसी एक वैल्यू की तरफ जा रहा होता है। और डिटेल में देखते हैं इसको, तो ये देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे कि हमने ई, अगेन कोई भी वाई इक्वल टू एफ एक्स हमारा एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू टू पे, एट एक्स इक्वल टू टू पे हमें लिमिट देखनी है। अब मैंने क्या बोला कि हम एक रीजन लेते हैं एक्स इक्वल टू टू के आसपास का, एक रीजन लिया, ये आप देख पा रहे होंगे एक रीजन है, राइट, ये एक रीजन है। अब क्या है, मैंने क्या बोला, अगर वो रीजन के अंदर एक्स कि एक वैल्यूज टू की तरफ लेफ्ट और राइट से बढ़ेंगी तो कॉरस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यूज भी लेफ्ट एंड राइट से एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जाएंगी। तो वाई का जो रीजन है वो ये है, ये वाला, ठीक है। और ये किसकी तरफ जाएगा, जब एक्स टू की तरफ बढ़ेगा तो ये हमारा -1.5, ठीक है, इसकी तरफ बढ़ेगा, ये जो ग्रीन में, ये ब्लू में जो पॉइंट, इसकी तरफ बढ़ेगा।
अब ये देख रहे होंगे, देखिए जैसे जैसे हम टू की तरफ पढ़ रहे हैं लेफ्ट एंड राइट से, वो वाई की वैल्यूज भी लेफ्ट एंड राइट से एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ बढ़ रही है, -1.5 की तरफ। आप देखिए, आ रहा आपको समझ में ये चीज, यही एक्चुअली लिमिट होती है, ठीक है। और हमें लिमिट आसपास के रीजन में ही देखनी होती है, पर्टिकुलर एक्ट एक्स इक्वल टू ए पे नहीं देखते, एक्स टेंडिंग टू ए पे देखते हैं, तो वो एक रीजन बनता है। अब मैं आपको लेमैन की टर्म में समझाऊं तो लिमिट आपको ये तो समझ आया कि लिमिट होती क्या, लेकिन ये एग्जिस्ट कब करेगी कब नहीं करेगी। तो आप ये देखिए, एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट लिया, राइट। मैं ये बोलता हूं कि अगर मैं लेफ्ट और राइट से इसकी तरफ आऊं तो मेरे पास अगर दो इंसान है, वो अगर आके उस पॉइंट पे हाथ मिला पा रहे, इफ दे आर एबल टू हैंड शेक, तो मैं बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर उस पॉइंट पे वो हैंड शेक नहीं कर पा रहे तो मैं बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप ये देखिए, ये इंसान अगर इधर की तरफ बढ़ता है, राइट, ये बढ़ा। सिमिलरली ये इंसान इधर की तरफ बढ़ता है, तो ये दोनों इंसान एक पॉइंट पे आ पा रहे हैं, राइट, और वो हैंडशेक कर लेंगे, कर लिया उन्होंने हैंडशेक। अगर मैं ये लूं एक्स इक्वल टू -2, यहाँ पे जो इंसान था वो किधर जाएगा, लेफ्ट से यहाँ पहुंचेगा, और जो राइट वाला इंसान है वो कहाँ पहुंच रहा है, इस पॉइंट पे अंदर मिल रहा है। एक तो हमारे इस पॉइंट पे रह गया है और एक यहाँ पहुंचा है, मतलब वो एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे, हैंडशेक नहीं कर पा रहे, तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? लेफ्ट से आ रहे हैं तो कहीं वाई की वैल्यू कुछ और आ रही है, राइट से आ रहे हैं तो वाई की वैल्यू कुछ और आ रही है, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही है वाई की, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पा रही। तो सिंपल याद रखो, लिमिट जब भी एग्जिस्ट करेगी अगर दो इंसान हैंडशेक कर पा रहे हैं। अब देखिए, जब आपने ज्योमेट्रिकली जब उसको समझा, तो आप यहाँ पे इसको फिर से देखिए, ठीक है। मैंने एक फिर से आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ लिया है, तो मैं सपोज कर लिया एक्स इक्वल टू -4 पे हम नेचर देखते हैं, मतलब लिमिट क्या है कि एक्स -4 की तरफ बढ़ रहा है लेफ्ट और राइट से, ठीक है। अगर ये लेफ्ट की तरफ से बढ़ रहा है -4 और राइट की तरफ से बढ़ रहा है, तो वाई की वैल्यू क्या बढ़ रही है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे जैसे -6 से मैं -4 की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो वाई की जो वैल्यू बढ़ रही है वो किसकी तरफ बढ़ रही है, 3 की तरफ बढ़ रही है। और अगर मैं राइट से आऊँ, सपोज कर ले -2 से आऊँ, -2 से आते हुए -4 की तरफ जा रहा हूँ, तो वाई की जो वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, -2 की तरफ बढ़ रही है। मतलब मैं राइट से आ रहा हूँ तो वो -2 की तरफ बढ़ रही है, लेफ्ट से आ रहा हूँ वाई की वैल्यू तो वो किसकी तरफ जा रही है, 3 की तरफ जा रही है, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू पे नहीं जा रही। अब देखिए, अगर एक इंसान इधर से आके यहाँ पे खड़ा होता है, एक इंसान इधर से आके यहाँ खड़ा होता है, तो हैंडशेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे, तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और एक चीज देखिए, अगर हम एक पॉइंट लेते हैं एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, -1, ठीक है। सो हमें देखना है एक्स जब -1 की तरफ अप्रोच कर रहा तो नेचर कैसा है वाई वैल्यू का, ठीक है। तो आप ये ग्राफ में देख पाएंगे, ऊपर जो ग्राफ है उसमें ये देखिए, ये रहा हमारा एक्स इक्वल टू -1। सो अगर हम लेफ्ट से जाएं, यहाँ से -1 की तरफ लेफ्ट से बढ़े, तो वाई की जो वैल्यूज है वो किधर जा रही है, 4 की तरफ जा रही है। और सिमिलरली राइट से अगर -1 की तरफ जाए, तो वाई की जो वैल्यूज है अगेन वो किस की तरफ जा रही है, 4 की तरफ जा रही है। इट मीन्स एक्स इज टेंडिंग टू -1, वाई इज टेंडिंग टू -4, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू की तरफ जा पा रहा है, और दो आदमी क्या कर पा रहे हैं, हैंडशेक कर पा रहे हैं। इस केस में लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। सो आपको अब लिमिट समझ आएगी। अच्छा, मैंने ये बोला ना कि आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने इस केस में तो यहाँ यहाँ पे तो वो बिल्कुल जो सर्कल लिया था वो क्या था, वो उसमें वो डार्क सर्कल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, उस सर्कल में वो खाली छोड़ दिया मैंने, होलो है यहाँ पे जो सर्कल है, होलो। इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों लिया, राइट, ये आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली क्या मैंने क्या बोला था। हो सकता है कि एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो, और वो या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म ले पा रही हो। इस केस में हम क्या करते हैं, उसको गोला को क्या करते हैं, होलो बना देते हैं। अगर वो डेफिनेट वैल्यू ले पा रहा तो हम उसको डार्क कर देते हैं। अब ये देखिए, एट एक्स इक्वल टू 4, अगर ये वैल्यू अगर एक्स 4 की तरफ राइट से जाएगा, तो वाई की जो वैल्यूज है वो किधर जा रही है, 2 की तरफ जा रही है, राइट। और अगर सिमिलरली लेफ्ट से आएगा 4 की तरफ, तो वाई की वैल्यू अगेन किसकी तरफ आ रही है, 4 की तरफ आ रही है। लेकिन एट एक्स इक्वल टू 4 वाई की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि वो होलो है। वो क्या है वहां पे, हो सकता है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म ले रही है, हो सकता है कि वो वहां पे क्या ले रही हो, कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू से इन्फिनिटी, राइट। सो
इसीलिए उसको हॉलो रखा गया। एक्चुअली हमारा मकसद यही है, लिमिट हम कभी भी एट एक्स इक्वल टू फोर नहीं देख रहे, इसीलिए हम क्या देखते हैं उसको उसके आसपास 4.00001 पे, या फिर इधर से आप लेफ्ट से आएंगे तो उस वैल्यूज पे देख रहे हैं 3.999999, उस पे देख पा रहे हैं, इसलिए हम एक्स इक्वल टू फोर पे नहीं लेंगे। ठीक है, अब आप नीचे वाला एग्जांपल खुद से आप ट्राई करिएगा, इसमें इसमें आप ये देख पाएंगे कि अगर मैं ये पॉइंट लूँ एक्स इक्वल टू थ्री, ठीक है, अगर लेफ्ट से आ रहे हैं तो वाई की वैल्यू किधर जा रही है, वन की तरफ, राइट से आ रहे हैं तो अगेन वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, वन की तरफ, बट एट एक्स इक्वल टू थ्री पे वाई की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, टू आ रही है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमें वो नहीं मतलब कि एक्स इक्वल टू थ्री पे वाई की वैल्यू टू आ रही है, उससे मतलब नहीं, बट हमें ये देखना है कि अगर एक्स इज टेंडिंग टू थ्री लेफ्ट एंड राइट से वाई की वैल्यू किसकी तरफ टेंड हो रही है, वन की तरफ हो रही है। तो यहाँ पे एज एक्स टेंड्स टू थ्री तो वाई जो टेंड करेगा वो वन की तरफ करेगा, बट एट एक्स इक्वल टू थ्री वाई की जो वैल्यू आ रही है वो टू आ रही है। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा किस में काम आएगा, हमें कॉन्टिन्यूटी में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो मैथमेटिकली आप ज्योमेट्रिकली जब समझ पाएंगे तो मैथमेटिकली अभी सिंपली रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स, सो एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो एल होगी। मतलब इसका यही हुआ कि एज एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज टेंडिंग टू एल, एफ एक्स इज टेंडिंग टू एल, राइट। ये चीज आपको जब समझ आ गई तो अब देखते हैं कि लिमिट का एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। लिमिट का एग्जिस्ट का ये मतलब हुआ कि हमारे पास सपोज कर लिया कि फंक्शन एफ एक्स है और एक्स इज टेंडिंग टू ए, इट विल एग्जिस्ट व्हेन दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली तो है कि अगर हम लेफ्ट से आ रहे हैं ए माइनस, एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस का मतलब ये है कि एक्स को हम अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, और एक्स इज टेंडिंग टू ए प्लस का मतलब है एक्स को हम एक्स इक्वल टू ए मतलब ए को अप्रोच कर रहे हैं हम राइट की तरफ से। अगर ये दोनों वैल्यूज क्या एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइटली कर रही है, लेट से कि लेफ्ट साइड हमारी वैल्यू आ गई टू और राइट साइड तो फाइव, तो ये वैल्यूज तो फाइनाइट कर रही है ना, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है वैल्यूज। बट दूसरी कंडीशन क्या है कि ये भी जरूरी है कि लेफ्ट हैंड और जो राइट हैंड लिमिट्स आ रही है फाइनाइटली तो एग्जिस्ट करे, बट वो इक्वल भी आए। लेकिन इस केस में जैसे मैंने लिया कि ये टू इज नॉट इक्वल टू फाइव तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट अगर लेफ्ट और राइट से दोनों टू टू आए तो टू इज इक्वल टू टू तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ये आया आपको समझ में कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है। सो अभी तक आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ आएगा लिमिट का, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और लिमिट एग्जिस्ट कब करते हैं, ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप ये स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, पहला आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैंने क्या बोला, हमारे यहाँ पे जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, 8 - 3x + 12x², राइट, ये हमारा फंक्शन है। और हमें क्या देखना है, एक्स इज अगर टेंडिंग टू टू तो एफ एक्स किसकी तरफ टेंड कर रहा है, ये चीज देखनी है। तो लिमिट का सबसे पहली चीज है सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू पुट कर दो, एक्स इक्वल टू टू उसमें पुट कर दो। सो मैंने एफ टू किया तो क्या आ गया हमारे पास, 8 - 6 + 12 × 4, ठीक है। सो ये कितना, 12 - 4 = 48 - 6 = 42 + 8 = 50, राइट। सो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, टोटल ऑफ 50। इसका यही मतलब हुआ, हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट करके, मतलब x इक्वल टू टू की वैल्यू पुट करके फंक्शन की वैल्यू देखी। एक्चुअली यहाँ पे जो फंक्शन था x इक्वल टू टू पुट करने पे वो ना तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ले रहा था, ना तो क्या बोला था कि दो फॉर्म्स आ जाए तो दिक्कत है, एक तो इंडिटरमिनेट फॉर्म वो तो आ ही नहीं रही है, और दूसरा क्या था, इनफाइनाइट आ जाए वहाँ पे, तो वो भी नहीं आ रहा हमारे पास। तो दोनों ही चीज़ें नहीं आ रही, तो हम डायरेक्टली क्या ले लेंगे, जो वैल्यू आ रही है वही उसकी लिमिट होगी। सो यहाँ पे इसकी जो आंसर होगा वो कितना होगा, 50 होएगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्स इज टेंडिंग टू टू और जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, x² + 4x - 12 / x² - 2x। अब देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप x इक्वल टू टू सीधा सीधा पुट कर दीजिए। अगर आप x इक्वल टू टू पुट करेंगे सो एफ टू क्या होएगा, 2² + 2² + 4 + 4 * 8 - 12 / x² - 4 - 2 / 4। सो ये क्या फॉर्म आई, 0/0। और मैंने क्या बोला, 0/0 फॉर्म क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस केस में हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, लेकिन वो अभी एल हॉस्पिटल यूज करके नहीं बताऊंगा आपको, सिंपल यूज करके बताऊंगा। एल हॉस्पिटल हम चीज़ों को एग्जाम में यूज करते हैं ताकि जल्दी से रिजल्ट आ जाए। लेकिन अब इसको कैसे सोल्व करेंगे,
ये इसको ऐसे सोल्व करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम पहले जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 6, राइट। और जो डिनोमिनेटर है जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर आप x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2, राइट। सो ये क्या बन गया हमारा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो बना वो क्या बना हमारा, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2, राइट। सो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल, सो जो हमारा बन गया वो क्या बन गया, एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स। ये सिंप्लीफाई हो गया, अब एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो 2 पुट करने पे क्या वैल्यू आएगी इसकी, वो आएगी 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस 4। सो इसकी जो वैल्यू आई, एज एक्स इज टेंडिंग टू 2, एज एक्स इज टेंडिंग टू 2 वाई इज टेंडिंग टू 4, आया आपको अब ये, यही बेसिक लिमिट था, ठीक है। सो आप सिंपली इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, कुछ रैशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, एल हॉस्पिटल के थ्रू सॉल्व करते हैं लिमिट के क्वेश्चंस को, और कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज होते हैं जिसके थ्रू हम सॉल्व। अब एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेम यही ग्राफ था हमारा, और मैंने क्या बोला था कि अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3, अगर लेफ्ट से कुछ अप्रोच कर रहा है, राइट से अगर अप्रोच कर रहे हैं, तो वाई की वैल्यू टेंडिंग टू 1 है, बट एक्स इक्वल टू 3 पे वाई की वैल्यू क्या आ रही, 2 आ रही है। सो ऐसा ही मैंने एक केस यहाँ पे लिया कि जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो इससे दी जाएगी, और जब एक्स इज इक्वल टू 2 है फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैंने 6 बना दिया, फंक्शन को इसी तरीके से मैंने डिफाइन किया। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, इसकी वैल्यू आपने कुछ देर पहले देखी थी, क्या थी इसकी वैल्यू, 4 थी, राइट। सो जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है 4 आ रही है, बट एट एक्स इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो यही वो एक कॉरेस्पॉन्डेंस बन गया सिमिलरली, कैसे कि यहाँ पे जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 है, तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, 1 की तरफ, बट एट एक्स इक्वल टू 3 फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो आप ये ग्राफिकली भी कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉर्मली ये ग्राफ इसका नहीं, बट ग्राफिकली ऐसे ही शो किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, और अब आगे के लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी को एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।